हरियाणा रोडवेज के दो दिन के चक्का जाम के दौरान सिरसा डिपो के हड़ताल पर रहने वाले 314 कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा हड़ताल में शामिल होने वाले ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी नोटिस दिया गया है। चक्का जाम के दौरान सिरसा डिपो की सिर्फ 35 बसें ही चल सकी थी, 120 बसें डिपो में ही खड़ी रहीं। हड़ताल के कारण दो दिन में सिरसा डिपो को 30 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हड़ताली कर्मचारी किलोमीटर स्कीम के तहत 720 निजी बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। आइए दो दिन की हड़ताल के संबंध में सिरसा डिपो के जीएम केआर कौशल की बाइट सुनते हैं। 314 चालक प्रचालकों ने जो स्ट्राइक में भाग ले रहे थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर लॉज करा दी है और अगली प्रक्रिया जो भी सरकार के आदेश होंगे उसके अनुसार की जाएगी। हाँ, जो एस्मा लगी हुई है एस्मा के तहत जो भी स्ट्राइक पर जाएगा वो ड्यूटी में कोताही माना जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो पब्लिक एसेंशियल सर्विस है एक्ट है ये, और इसके अंदर जो भी जो कर्मचारी कार्य नहीं करेगा ड्यूटी पर नहीं आएगा तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। दो दिन में जैसे 16 तारीख का था, 16 तारीख कुछ गाड़ियाँ हमारी बाहर गई हुई थी, उसके हिसाब से हमारा डेली का जो 15 लैक्स होता है तो 13 लैक्स का नुकसान हमारा 16 का हुआ है और लगभग 14 के आसपास का नुकसान आज का होगा। यहाँ पे 179 बसें हैं डिपो में, तो उनमें से हमारी 20 बसें विदाउट स्टाफ पहले ऑलरेडी खड़ी हैं और बाकी 159 के आसपास चलती हैं, तो उनमें से हमारी 35 और 40 के आसपास चली हैं। और एक और बताना चाहूँगा कि जो कंट्रक्चुअल हमारे 2018 में चालक आए थे उनके लिए भी टर्मिनेशन नोटिस हमने पहले जारी कर दिया था कि आप ड्यूटी पर आएँ, और इसके बाद भी पाँच जो है चालक अभी भी नदार्द हैं, उनको जो स्ट्राइक पे माना जाएगा और इनको जल्दी ही टर्मिनेट किया जाएगा। उसमें क्या हुआ कि चालक आए हैं, प्रचालकों को उन्होंने रोक लिया, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हमारे को पैदा हुई थी, फिर भी हमने उसको टैकल किया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।